में विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। 11 जनवरी तक रथ जो है तमाम अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं। सिंगरौली के बस स्टैंड और बूढ़ी माई वार्ड में इस मौके पर भव्य कार्यक्रम हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में हितग्राहियों द्वारा अपना नामांकन करा के भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लिया गया। कार्यक्रम में नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडे, विधायक सिंगरौली रामनिवास शाह, जिला अध्यक्ष भाजपा राम सुमिरन गुप्ता और नगर निगम कमिश्नर सत्येंद्र धाकड़े मौजूद रहे। नगर निगम अध्यक्ष ने भारत सरकार की योजनाओं को बताते हुए कहा कि मोदी सरकार ने 2014 के बाद जिन योजनाओं की शुरुआत की है, उन्होंने आम आदमी के जीवन स्तर को बहुत तेजी से सकारात्मक रूप से बदला है। उन्होंने कहा कि हमारा दायित्व है कि शासन की योजनाओं को हर व्यक्ति तक पहुँचाना है, ताकि सबका साथ सबका विकास का हमारा वादा पूरा हो सके। मेरा नाम पात्रो है, मैं वार्ड नंबर 4 सिंगरौली में रहती हूँ। मेरा प्रधानमंत्री योजना के तहत मैंने बहुत सारे योजनाओं का लाभ लिया है। सर्वप्रथम मैंने लाडली बहना योजना का लाभ लिया है, दूसरा उज्ज्वला योजना का लाभ लिया है, और जल जल का जल जल योजना का भी लाभ लिया है। इसी तरह प्रधानमंत्री योजनाओं का सभी योजनाओं का लगभग मैंने लाभ लिया है, और सभी महिलाओं को अगर चाहती हूँ स्वयं सहायता में जुड़ के और भी सरकारी योजनाओं का कार्य करें, अपना कदम से कदम लगा के आगे बढ़े। मेरा नाम ज्योति गुप्ता है, मैं वार्ड नंबर 10 सिंगरौली की हूँ। हमारे स्वयं सहायता समूह के सदस्य अध्यक्ष हूँ मैं, और हम अपने सिंगरौली में बहुत 10 साल से सिलाई सिखा रहे हैं, लेकिन नाम और पहचान नहीं मिला था। हमें जब सरकारी योजना का लाभ मिला, हमने अपना सिलाई सेंटर बुटीक और पार्लर डाला। आज हमारे क्षेत्र में हमें सब जान रहा है, हमें सिलाई का काम भी मिल रहा है, प्लस हमारे यहाँ अच्छे से लड़कियाँ सीखने भी आती हैं। फिर अपने रोजगार को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ लिए, उससे आज हम समाज में सब सिलाई सिखाते हैं और काम को अपने अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं। हम इसके लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहते हैं, कदम से कदम मिलाकर हम अपनी महिलाओं को आगे ले जाना चाहते हैं।